हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी मैरिज लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही और रिस्पेक्टफुल रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या स्विच वर्ड कर सकते हो, क्या रेमेडीज कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ में सुख शांति बनी रहे। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, दोनों के लिए हम अलग अलग कुछ स्विच वर्ड्स देखेंगे और इसके साथ में हम देखेंगे कि इवन आपकी परिवार के साथ में, अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग नहीं बन रही, घर में किसी ना किसी बात पे झगड़ा चलता जा रहा है, लड़ाई चल रही है, भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, या आपकी किसी अपनी मदर इन लॉ, आपने फैमिली के साथ में या किसी के साथ में भी हम कह सकते हैं, इवन आपके घर के आपस के रिश्तेदारों में झगड़ा चल रहा है, तो आप क्या चैंट कर सकते हो कि वो चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी और आपके हस्बैंड की, हम मैरिड लोगों के लिए बात करेंगे, कि हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद हो जाती है या फिर आप कह सकते हो कि उनकी आपस में बातचीत तो हो रही है बट लव फील नहीं हो रहा, वो एक स्पार्क, एक लव फील नहीं हो रहा, तो वो उसके लिए आप क्या चैंट कर सकते हो। आपको उसके लिए छोटा सा स्विच वर्ड बोलना है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्णा या और कुछ नहीं, राधा कृष्ण। आपको स्विच वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इस तरह से आपने लगातार वो चैंट करना है। आप थोड़ा जोर का भी बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो, हल्का सा विस्पर करके बोल सकते हो, आप काम करते हुए बैठ के कहीं पर भी ये कर सकते हो। आपने कम से कम रोज इसको 51 टाइम्स या ज्यादा बोलना है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा वर्क करेगा। इसके साथ में अगर आप अनमैरिड हो, और आप अनमैरिड हो तो भी आप अपने पार्टनर के लिए स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। और इसके साथ में आप लोगों को मैं एक इंग्लिश स्विच वर्ड भी बताऊंगी, जो मैरिड हो या अनमैरिड, आप दोनों ये स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हो। वो सिंपल सा स्विच वर्ड है, डिवाइन लव टुगेदर, डिवाइन लव टुगेदर, लव डिवाइन टुगेदर, डिवाइन लव टुगेदर, दोनों वर्क करते हैं। तो आप इनमें से कुछ भी, डिवाइन लव टुगेदर या लव डिवाइन टुगेदर, आप कुछ भी बोल सकते हो। दोनों स्विच वर्ड आपको यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं, आप इन दोनों में से कुछ भी स्विच वर्ड चैंट करिए। तो ये आप वैदिक स्विच वर्ड हम 51 टाइम्स या ज्यादा करते हैं, और इन स्विच वर्ड्स को हम, जो इंग्लिश स्विच वर्ड्स होते हैं, इनको हमने 5 मिनट्स का टाइम ले लो आप कि मैंने 5 मिनट्स तक ये चैंट करना है, और अपने मन में इंटेंशन सोच के ये लिखना, चैंट करना स्टार्ट कर दो। इसके साथ साथ आप एक व्हाइट पेपर ले लो, व्हाइट पेपर, आप कोई भी स्क्वायर छोटा सा व्हाइट पेपर ले सकते हो। व्हाइट पेपर के ऊपर आप रेड पेन से डिवाइन लव टुगेदर लिखो और उसके नीचे आप राधा कृष्ण लिख दो। वो लिख के वो पेपर को अपनी तरफ फोल्ड करके और अपने मैट्रेस के नीचे आप रख सकते हो, मैट्रेस के नीचे रख के उसको आप छोड़ दो। वो आप दोनों के बीच में एक लव वाइब्रेट करेगा, लव से आपके, मतलब उस जो बीज वर्ड होते हैं, हमारे बीज मंत्रास होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, इनसे हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं। तो जब वो आप अपने गद्दे के नीचे, अपने मैट्रेस के नीचे रखते हो, तो वो वाइब्रेशंस वहां पर भी एनर्जीज निकलती हैं और वो आप दोनों की लव लाइफ को अच्छा बनाती हैं। तो आप ये स्विच वर्ड्स करिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दोनों की लव लाइफ तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपके घर में झगड़े चल रहे हैं, घर में झगड़ों की वजह से परेशानी हो रही है, आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या आपकी सिस्टर इन लॉ किसी से भी नहीं बन रही है, या ससुराल में नहीं बन रही, या मायके में नहीं बन रही, कई बार होता है कि हमारे मायके से हमारी बातचीत मायके वालों से भी बंद हो जाती है, इवन देरानी जिठानी में बात नहीं हो रही, तो इस तरह किसी भी रिलेशन में अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, रिलेशन खराब हो रहे हैं, घर के रिलेशन, मैं ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, घर वालों से रिलेशन ठीक नहीं है, भाइयों भाइयों में झगड़े हो रहे हैं बिना बात के, तो आपने घर के माहौल को अच्छा करने के लिए, रिश्तेदारियों को ठीक करने के लिए, आपने एक छोटा सा स्विच वर्ड बोलना है, राम राज, राम राज, राम राज, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, राम राज, ये आप जितना चैंट कर सकते हो करो। आप देखोगे कि आपका 10 से 11 दिन के अंदर वो आपको
चीजें ठीक होती नजर आने लग जाएंगी, बट आपने कम से कम 21 दिन इसकी चैंटिंग जरूर करनी है। राम राज, राम राज, राम राज, इस तरह करो, या फिर आप उसको छोटा सा लिख के कहीं पर भी अपने घर की दीवार पे हिडन भी लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि लोगों को दिखना चाहिए, आप किसी ड्रेसिंग टेबल के पीछे या कोई वॉल यूनिट पड़ा होता है या कोई बुक पड़ी होती है उसके अंदर रख दिया, हिडन कहीं पर भी अपने, जहां पर आपको लगता है कि जब हम इस रूम में आते हैं हमारा झगड़ा होता है, तो वहां पर ये राम राज वर्ड लिख के और आप वो रख दो, तो उससे भी एनर्जीज हमारी पॉजिटिव होगी। तो ये कुछ चीजें, और साथ में आप एक जहां आपको लग रहा है कि घर में बहुत लड़ाइयां हो रही है, तो आप वहां पर रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, ये दो कॉम्बिनेशन जरूर रखो, वहां क्रिस्टल्स रख दो, और रोज क्वार्ट्ज का थोड़ा बड़ा क्रिस्टल आपको रखना चाहिए, रोज क्वार्ट्ज का रॉ बड़ा सा क्रिस्टल रख दो और एक एमेथिस्ट का। देखिए इस तरह से आते हैं, मेरे पास शायद बड़ा होगा, कि ये आप वहां पर रख देते हो, ये इस तरह से एमेथिस्ट आता है, आप इसका बड़ा क्रिस्टल ले लो दोनों का, रोज क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट, तो उस तरह वो आप वहां रखने से आपकी लव एनर्जीज वाइब्रेट होंगी और आपके लड़ाई झगड़े करेश खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जल्दी ही आप देखोगे कि आपके घर में सुख शांति रहने लग गई। तो आपको मेरा ये स्विच वर्ड्स कैसे लगे फीडबैक भेजिए, चैंट करिए इनको और मुझे कमेंट करिए, और आप क्या और किस चीज के लिए स्विच वर्ड चाहते हो वो भी मुझे जरूर सजेस्ट करिए, आपके सजेशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन।